नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं हूँ आपके साथ मीनू चौहान। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। टेकमचंदपुरा में डेंगू से एक युवक की मौत, प्रशासन की आंखें बंद। बस्ती उखंड के ग्राम टेकमचंदपुरा में करीबन एक माह से डेंगू की बीमारी का प्रकोप इतना अधिक है कि गांव में लगभग 100 से अधिक व्यक्ति डेंगू की बीमारी से ग्रसित है। अरमान गुर्जर, कान सिंह गुर्जर, रंजीत महावर, कविता महावर, तपस्या महावर, अचुकी शर्मा, पप्पू मीणा सहित 100 से अधिक लोग बीमार है, लेकिन प्रशासन फिर भी चुप्पी साधे है। इसके चलते बनवारी लाल शर्मा पुत्र हरिनारायण शर्मा की मौत भी हो गई, फिर भी प्रशासन की कानों में जूं तक नहीं रेंगी। प्रशासन को लिखित में और दूरभाष से भी कई बार अवगत करा दिया है, लेकिन प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी मौत क्यों है? सरकार और चिकित्सा विभाग की घोर लापरवाही का इससे बड़ा मंजर क्या देखने को मिलेगा कि 100 से अधिक लोग बीमार है पर प्रशासन चुप बैठा है। हमारे संवाददाता सुरेश भारद्वाज की एक रिपोर्ट।